हेलो फ्रेंड्स, आई एम हीना। वेलकम बैक टू माय चैनल नील हीना ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY मेकअप रिमूवर। तो इसे कैसे बनाना है और इसे कैसे अप्लाई करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 ग्लास पानी, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ पर गुड वाइप्स का यूज़ कर रही हूँ, विटामिन ई के कैप्सूल और बेबी शैम्पू। मैं यहाँ पर जॉनसन्स बेबी का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, 1/2 ग्लास पानी में 1 टेबल स्पून बेबी शैम्पू डालना है। और 2 टेबल स्पून आपको ऑलिव ऑयल डालना है। और आपको जो 5 से 6 विटामिन ए के कैप्सूल लिए हैं वो इसमें डाल देने हैं। हमने इसमें विटामिन ए के कैप्सूल इसलिए डाले हैं कि यह हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करेगा और ऑलिव ऑयल हमारे फेस के मेकअप को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा और बेबी शैम्पू हमारी आई को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी उससे। अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डालूँगी एक कंटेनर में। यहाँ पर जॉनसन्स बेबी बर्ड्स का मेरे पास ये कंटेनर है, तो मैं इसमें पहले 7 से 8 ये बेला के पेड़ है, जो कॉटन पेड़ आते हैं वो, तो 7 से 8 पेड़ में पहले इसमें डालूँगी और बाद में जो मैंने ये बनाया है मिक्सर उसे डालूंगी। यह हमारा मेकअप रिमूवर जो तैयार हो चुका है। अब मैं और 7 से 8 पेड़ डाल रही हूँ और जो बचा हुआ रिमूवर है उसे डाल लूँगी। और मैं 2 से 3 डाल रही हूँ और इसे अच्छे से आपको डीप कर लेना है और बंद करके ऐसे आप रख सकते हो। अब इसे अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे हेयर बैंड की हेल्प से इसे मेरे हेयर को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने स्मोकी आई की हुई है, बट ये जो हमने मेकअप रिमूवर बनाया है वो इसे अच्छे से निकाल देगा। तो सबसे पहले आपको आई का मेकअप निकालने के लिए 5 से 6 सेकंड इसे आपकी आई पर ऐसे रखना है और बाद में ऐसे पोंछ लेना है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से जो मैंने स्मोकी आई की हुई थी वो निकल गई है। यह आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव करता है और बेबी शैम्पू डाला है तो वो आपकी आई को भी जलन नहीं होने देगा। अब मैं मेरे पूरे फेस का मेकअप रिमूव करूँगी। आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से मेरा मेकअप रिमूव हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा रिमूवर है। आपके पास माइसलर वाटर है तो ठीक है, बट हम रोज़ तो माइसलर वाटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप ये DIY ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा DIY है, आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ऑलिव ऑयल है और जो हमने बेबी शैम्पू डाला है। आपको अपना शैम्पू नहीं डालना है, उससे आपकी आई को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने मेरे पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर लिया है। यहाँ पर आई पर थोड़ी मेरी काजल रह गई थी तो मैंने इसे मेरे टॉवल से साफ कर दिया तो ये अच्छी तरीके से निकल गई। आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे कहने पर ये एक बार ये DIY ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा होगा। आपको माइसलर वाटर में पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।